फरमाया मेरे महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए तो आड़े कोलों कयामत दे बारे अंदर सवाल कर देने ना के कयामत कदों आएगी। फरमाया तुसी फरमा दियो कुल ए मेरे नबी जी फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह, कुल दा मतलब की है मेरे नबी जी, ए मेरे नबी जी फरमा दीजिए फरमा दीजिए। अल्लाहु अकबर अल्लाह ला लेकिन लेकिन लोगों ने इतने कुल दे मानी होर बनाए हुए कुलों तो कोई होर ही शह मुराद लै जाते ने ना। अगे जी कोई किवें दी मिसाल को किवें दी गल बात कर रहे हैं ना 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 बिदअतां दी बात है ना। नहीं नहीं, कुल का मतलब की होंदा है, अल्लाह अपने प्यारे पैगंबर नाल मुखातिब होया करदे ने। अल्लाहु अकबर ते हुक्म इरशाद फरमा रहे होंदे ने ना। अल्लाह सुबहानहु व तआला दा हुक्म मुबारक सुनदिया जाना जरा। फरमाया इन्हां नूं फरमा दीजिए अल्लाह खल्ला इल्ला मा इल्मुहा इंदा रब्बी। एक कयामत दी बात कर देने, कयामत दा इलम ते मैं अल्लाह कोले, कयामत कदों आएगी मेरे तो इलावा कोई नहीं जानदा। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। आ नजरा तवज्जो फरमांदा जा, कुरान पाक दी आयतां दा तर्जुमा करदा जावा, अहादीस मुबारक पेश करदा जावा। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ मेरे नबी जी फरमा दीजिए ए दा इलम ते मेरे रब दे कोले ना। ओ रब सोना ए दे वक्त ते ही इनू जाहिर फरमाएगा। अल्लाह अकबर। और जमीना ते आसमाना दे अंदर बहुत बड़ा बड़ा भारी हादसा होएगा। कयामत तो की समझते हो, आसमान जमीन की हेठली उतली मच जाएगी। कुराने पाक अंदर दूसरे मुकाम ते वे नक्शा खिंचया गया ना। फरमाया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा वा अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा वा क़ालल इंसानु मालहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। ये तो इंसान है ना, जदों हेठली उतली मच जाएगी जमीन अपने सारे बोझ निकाल के बाहर कट देगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत वाले दिन जमीन विचों कबरां दे विचों मुर्दे एवें बाहर आणगे जिवें भट्ठी चों दाने बाहर आ रहे होंदे ने उन्हों भुनदियां होया। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। वाखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, ये जो इंसान सारा कुछ वेखेगा ते आखेगा कि वक़ालल इंसानु माला, इंसान आखेगा की बन गया, आ की हो गया, आ केड़ी शैना विरिया हो शै जिदे बारे अंदर हर नबी तंबी फरमाते रहे, हर रसूल खबरदार फरमाते रहे। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। एक रिवायत दे अंदर आंदा है अल्लाह दे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा मैं ते कयामत नाल नाल भेजे गए हैं। इंज हुजूर इशारा फरमा के हुजूर ने फरमाया मैं ते कयामत नाल नाल भेजे गए हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आ जरा तवज्जो फरमाता जा जरा। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। अलामत कयामत बयान करने दा मेरा ये मकसद है ना कि असी गफलत दी नींद विच्चों बेदार हो जाइए। अज जो मुआमलात असी दुनिया ते रहने ते बनाए हुए अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल तो हट करके अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे अहकामात दी पमाली कर दिया होया, आप ही अपना को तरीका जीवन दा बनाया होया। ना 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 वीर सोनिया, ना गफलत दी नींद तो गफलत दी नींद अंदरों बेदार
नहीं होवांगे, ये ते बड़ा भारी हादसा रूनुमा होवे ही होवे। अल्लाह दे फैसले जो ने ना, लेकिन होएगा कदों अल्लाह सोना जानदा है, अल्लाह तो इलावा कोई नहीं जानदा। अल्लाहु अकबर लाला। उलमा उलमा ने यानी दूसरा फायदा एदा की होएगा, अल्लाहु अकबर कबीरा, ताके दे आउण तो पहले पहले असी कयामत दे तज़करे कयामत दियाँ हौलनाकियाँ सुन करके असी अल्लाह दे कोलों हाथ उठा करके झोलियाँ पिला करके मुआफियाँ मंग लईए, अखां विचों आंसू बहा करके अल्लाह को अपने गुनाहों दियां माफियां मंग लईए। यकीनन मेरा अल्लाह सोहना है, मेरा अल्लाह प्यारा है, अल्लाह मुआफियां नू पसंद फरमांदा है ना, अल्लाह मुआफ फरमांदा, मुआफियां नू पसंद फरमाने वाला, सिला रहमी नू पसंद फरमाने वाला, रहम नू अल्लाह सोहना पसंद फरमाते ने। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। उलमा ने कयामत दियां निशानियां नू दो हिस्सों के अंदर तकसीम फरमाया है, एक छोटियां निशानियां एक बड़िया निशानियां। बड़िया दे विच्चों जड़िया ने ना अल्लाह अकबर कयामत तो कुछ अरसा कबल जाखिर होणगियां, यानी थोड़ी देर पहले जाखिर होने वाली बड़िया निशानियां जड़िया ने, उन्हां विच्चों दज्जाल दा आना, वो जिहड़ा दज्जाल आएगा, आदने जी उहदी अख बणी होगी काना दज्जाल होएगा, वह गधे ते बैठ करके आएगा। नहीं 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 नहीं, मैं कदे दज्जाल दी आमद ते भी जुमा लगा करके तेनू दसांगा कि दज्जाल किवें आएगा। आएगा नहीं बल्कि वह आ चुकिया, और रूनुमा हो चुकिया। अल्लाह दे नबी दियां हदीसे मुबारक के मुताबिक मैं तेनू साबित करांगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज कि दज्जाल इस वक्त दुनिया ते मौजूद, अपने ऑर्डरस दे रहे आए ना। अल्लाह अल्लाह चलता जब दज्जाल दा हजे वाज़े ज़ुहूर नहीं होया, वह भी अन करीब होन वाला गिना। अल्लाह अल्लाह इमाम महदी दा ज़ुहूर होएगा, ये भी बड़िया निशानियां दे विच्चों। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी पाक जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत विच उम्मती बन करके आणगे। हाँ, इमाम महदी ने जदों मीनार तो उतारिया जाएगा ना, उन्होंने नहीं पता होएगा मैं इमाम महदी हाँ। अब पाकिस्तान हिंदुस्तान च हर दूजे दिन कोई ना कोई इमाम महदी निकलिया होंदा है, ये खबरें कितों आ जाते हैं, उन्होंने पता ही नहीं होएगा कि मैं इमाम मैं महदी हाँ। हजरत ईसा जदों उतारिया जाएगा नीचे आएंगे फरमाएंगे कि सारी बात अहादीस की रोशनी के अंदर वाजे हो जाएगी। इमाम महदी फरमाएंगे इमामत तुसी फरमाओ, वो कह तुसी अल्लाह के रसूल हो, तुसी हजरत ईसा हो, तुसी अगे हो, फरमान नहीं, इमामत उम्मत मुहम्मदिया का हक है, इमामत तुसी करवाओगे, मैं तुहाड़े पिछे नमाज पढ़ांगा, असर की नमाज का वक्त होएगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह, लंबी बात फिर बात करांगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा आना, ए दज्जाल नू कतल करनगे, अल्लाह सोने दे हुक्म दे नाल वड्डियां वड्डियां निशानियां विचों याजूज माजूज दा इन्हां दा ज़ुहूर होना। एक दाबतुल अर्ज़ जमीन दा वो जिहड़ा जानवर निकलेगा ना, जिहड़ा लोगां नाल गल्लां करेगा, दाबतुल अर्ज़ दा ज़ुहूर होना, ये भी कदी बयान करांगे इंशाअल्लाह। बड़िया निशानियां दे अंदर, और सब तो आखिरी निशानी जड़ी है सूरज दा मगरब दी तरफों तुलू हो जाना, यानी सूरज मगरब दी तरफों चढ़ पाएगा, कयामत आ गई। उदों जेड़ा तौबा दा दरवाजा है ओ वीर सोहणे आ ओ बंद हो जाएगा, जदों सूरज मगरब दी तरफों मगरब दी तरफों तुलू होएगा, तौबा दा दरवाजा बंद हो जाएगा। मैं कहना के इहनू सूरज मगरब दी तरफों तुलू होण तो पहले पहले ते अखियां बंद होण तो पहले पहले सकरात लगने तो पहले पहले अल्लाह को मुआफी मंग लईए, यकीनन अल्लाह मुआफिया नू पसंद फरमाउंदे ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। होएगा कि ये बड़िया बड़िया निशानियां कयामत दियां, उन्हां विचों ये भी निशानियां ने ना कि इलम उठा लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बल्कि छोटियां निशानियां विचों
अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं कली कली हदीसे मुबारक नहीं पढ़ सकता, मेरे को टाइम इंतहाई मुख्तसर, बिल्कुल सही तरीन रिवायात मबनी मेरा मजमून अज का कयामत दियाँ छोटिया निशानियाँ तवज्जो नाल समात फरमांदा जाई जरा। अल्लाह अगर कोई हवाला पूछना चाहे तो मैं उन्हें हवाला दे सकांगा, गल करना चाहे बात पूरी कर सकांगा इंशाअल्लाहुल अजीज, लेकिन तू उन्हें निशानियां सुनता जा। केड़ियां निशानियां? ये तो बड़िया निशानियां का तज़करा मैं खास खास निशानियां का तज़करा किया, छोटिया निशानियां विचों उन्हां दा ज़ुहूर ना कयामत तो कबल इलम उठा लिया जाएगा, इलम उठ जाएगा जहालत फैल जाएगी, यानी इलम उठ जाएगा जहालत आम हो जाएगी, जाहिल वड्डे वड्डे ओहदियां तक पहुँच जाएंगे, जिन्होंने अपने घर के काम करने नहीं आते हो हुकूमत दियाँ बहुकूमत की बागडोर संभालणगे, जेड़े अपना आप नहीं संभाल सकणगे वह वड्डियां कुर्सियां ते वड्डियां ओहदियां ते बैठणगे, मुल्क का बेड़ा गर्क करणगे, मुल्कां दर मुल्कां का बेड़ा गर्क करते चले जाणगे। अगे सुनदा जा, अल्लाह के नबी ने फरमाया अलाते मुसीकी आम हो जाणगे। तुहाडा खतीब आ मिंबर रसूल ते खड़ोता, वो मैं तो जी रिंग टोन जड़ियाँ पहले पी टी सी के नंबर चो पी टी सी एल नंबर चाहती सी टैलीफोन वो ही लगाई हुई है, हैं लेकिन ये अंदर भी वो सारा कुछ मौजूद है जोड़ा डिलीट नहीं हो सकता, जोड़ा कंपनी वाले की तरफों और रिंगिंग टोनस दी है वो सारा सारा कुछ होंगे। हाँ खतीब इत ए पिया उत्ते हालात मुसीकी कोल पे ने, दूर क्यों जाना है? अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लेकिन दी बागडोर तेरे हाथ अंदर है, तू चाहते गलत इस्तेमाल कर चाहते सही इस्तेमाल कर ले। अल्लाह 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 अगे चल जरा, यानी अलाते मुसीकी दा आम हो जाना, इन्हां दी कसरत हो जाएगी, लोग सरेआम कसरत नाल शराब नोशी करनगे ना, लोग लंबियां लंबियां इमारतां बनाएंगे, लोग पलाजे बना बना करके खुश होणगे, इन्हां दियां दौड़ां लग जाणगियां लंबियां ते उच्चियां बिल्डिंगां बनाउणे दे अंदर, बल्कि इतों तक आखणगे जी ये फ्यूचर म्यूजियम है, ये तो अज तो 50 साल बाद की गल कर रहे, 50 साल बाद की गल कर रहे हैं ना, यानी लोग इमारतां बनाएंगे ना। अल्लाह अल्लाह इत्थे ही बस नहीं, मसाजद मस्जिदां दे नक्शो निगार करन अंदर, यानी मस्जिदां दे फुल बूटे पाण अंदर, मस्जिदां दे नक्शो निगार करन अंदर, लोग एक दूसरे तो मुबालगा करनगे ना, यानी वह आखेगा मैं मसीत तेरी मसीत नालों सोहनी बनाई है, वह आखेगा मैं बड़े फुल बूटे पाए ने ना, वह आखेगा मैं बड़ी चंगी बनाई, वो आखे गबूटे मेरी मसीत अंदर चंगे लेना, इंज दियां लोग गल्लां करनगे मुबालगा आराई करनगे ना। अल्लाहु अकबर इत्थे ही बस नहीं, अल्लाह दे नबी ने फरमाया फरमाया बच्चे हुकूमत करनगे, हुकूमतां बच्चियां दे हाथ अंदर आ जाणगियां, नौ मलूद किस्म दे हुकूमतां संभालणगे, हुकूमत दी बागडोर संभालणगे ना। इत्थे ही बस नहीं, अल्लाह दे नबी ने नाल ही फरमाया फरमाया मेरे साहबा इस उम्मत दे आखरी लोग पहले लोगां ते लानत भेजणगे। हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह, ये हदीस सोहणे नबी दा फरमान पूरा हुंदा नज़र नहीं आंदा। अज लोग नबी दे सहाबां नूं बुरा भला नहीं कहंदे, अज अहले बैत ते ज़बानां तबर्रा नहीं करदियां, अज नबी दे घराने दे बारे अंदर ज़बानां नहीं दराज़ होंदियां, उन्हां नूं रोकण वाला कोई नहीं, अज सहाबा दे बारे अंदर क्या ज़बानां नहीं दराज़ होंदियां, लानतान दे इवें बड़े लानतान दे कह लो कि जनाब वो पूरे बाज़ार गर्म नहीं होंदे। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस उम्मत दे आखिरी लोग पहले लोगों ते लानत भेजणगे ना। अल्लाह अकबर नाले अगे फरमाया फरमाया और कत्लो गारत गरी आम हो जाएगी, कत्लो गारत गरी आम हो जाएगी, यानी कत्ल आम हो जाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह, बाज निशानियां दे मुतालिक हदीसे जिबरील अंदर मौजूद है ना, बुखारी और मुस्लिम अंदर हदीसे जिबरील मौजूद है, हदीसे जिब्रील केड़ी? अल्लाहु अकबर, मेरे नबी साहबा दे अंदर तशरीफ फरमाने ना, हुजूर दे कोल एक इराबी आया, इंज लगया जिवें अरब दा कोई पिंड दा बंदा, अरब दा कोई बद्दू आया, अरब दा कोई देहाती आ गया है ना, एक इराबी ओसन जनाबे जिब्रील आले
अलैहि सलाम हजरत जिब्रील आए अल्लाह दे नबी दे कोल आ करके दुजानो करके बैठ जाते ने मुख्तलिफ किस्म दे सवाल करते ने हजरत जिब्रील ने मल ईमान या रसूल अल्लाह ईमान क्या है मल इस्लाम या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है मल एहसान एहसान क्या है इवें सवाल पूछ दिया अल्लाह दे नबी कोलो हजरत जिब्रील अमीन सवाल कर दे देना कहंदे ने मतसात या रसूल अल्लाह अल्लाह दे रसूल जी कयामत कदों आएगी कयामत कब आएगी ये सवाल कर देने ना अल्लाह दे नबी ने फरमाया फरमाया अल मसूल अन्हा बी अअलम मिन असाइल अल्लाह दे नबी ने फरमाया ये जेड़ा बंदा जेदे कोलों पुछिया गया है पुछण वाला उहदे नालों घणा ही जाणदा है है अल्लाह दे बहुता करीब उन्हें बहुता पता हो सकता है हज़रत जिब्रील साहबा नहीं सी पता अल्लाह दे नबी नूं पता सी मैं जिब्रील नूं जवाब दे रहा बाद अंदर हजूर ने वादे भी फरमाया साहबा दे अंदर के साहबा है जिब्रील सन जेड़े मेरे नाल सवालों जवाब करते गए ने अल्लाहु अकबर अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर कबीरा इधरों हज़रत जिब्रील अमीन ने दियाँ कयामत दियाँ निशानियाँ दे बारे अंदर पुछते ने ना अल्लाह दे नबी ने फरमाया फरमाया कि ये कयामत दियाँ निशानियाँ दे विचों एक रिवायत अंदर आंदा है ना जो लौंडी अपनी मालका नू जन्म देवेगी लौंडी अपनी मालका नू जन्म देवेगी फरमाया जो नंगे जिस्मा वाले नंगे पैरां वाले यानी नंगे जिस्मा वाले जिन्हां दे तन ते कपड़ा कोई नहीं पैरां च लित्तर कोई पैरां च जुत्ती कोई नहीं ते बादशाह बन जाणगे जिन्हां नूं पुछदा कोई नहीं होएगा जिन्हां नूं जानदा कोई नहीं होएगा वो बादशाह बन करके बैठ जाएंगे अल्लाहु अकबर कबीरा अगे सुनता जा जरा अल्लाह दे नबी ने फरमाया अल्लाहु अकबर लौंडी अपने आका नूं या अपनी मालका नूं जन्म देवेगी कई तरह दे अकवाल ने ना सुनते हैं जाना जरा ये मुख्तलिफ अकवाल मैं इंज नक्शा खिंचदा जावा अल्लाह अल्लाह किधरे फरमाया जिहड़ी यानी आजमी औरतां अरबियां नूं जन्म देणगियां ये भी अकवाल ने ये किन्ने हजरत वकील फरमाते ने ये तो बाद एक होर कॉल सुनते हैं जाना ये भी आख्या गया है कि लौंडियां दे मालिक उन्होंने वेच देंगे ना फिर उन्होंने औलाद ही उन्होंने खरीद लेगी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ये तो मुराद हुकूकुल वालिदैन भी है यानी मां नाल लौंडियां जैसा सलूक किया जाएगा हाय मेरे अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर सुनिया तेन गल समझ नहीं आई ये भी मुहद्दसीन ने मुराद लिया इतों हाँ हाँ यानी कि मामा नाल लौंडियां दी तरह सलूक होएगा सोशल मीडिया ते अक्सर पहले ते गल्लां सुनदे सां अजकल ते वीडियोज भी वेखण अंदर आंदियां ने मां नूं गुत्तों फड़िया होया कोई थप्पड़ मार रहा है कोई घरों बाहर कढ़ रहा है कोई किहो जिहा सलूक कर रहा कोई किहो जिहा सलूक इह लोक अल्लाह तो दूर ने प्यारे नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दे फरमान तो दूरी रब दे कुरान तो दूरी ए जाहिल किस्म दे लोग हुकूकुल वालिदैन यानी माँ प्यो दी नाफरमानी करने वाले ये भी हो सकते ने ना ये भी मुराद हो सकता है एक होर तेनों सुनांदा जावां उंदलस दे अंदर एवें होया एक मुसलमान औरत नूं हालत हमल दे अंदर कैदी बना लिया गया इस हालत दे अंदर इहदी गोद अंदर बच्चे ने जन्म दिता फिर इन्हां दोवां नूं जुदा कर दिता गया बच्चा जवान होया ते अपनी मां नूं खरीद के अपनी लौंडी बना लैंदा है अल्लाह 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 यानी कई निशानियां ते पूरियां हो चुकियां ने ना एक होर मैं तेनों मिसाल देंदा जावां अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह यानी दूसरी रिवायत अंदर आंदा है ना फरमाया अल्लाह दे नबी ने इज़ा वलदतिल अमतु बिलहा यानी जदों एक लौंडी अपने खामद नू जन्म देवेगी ये सही रिवायत मुस्लिम शरीफ दी मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह अल्लाह लागे होर कयामत दियां निशानियां चो सुनदा चला जा किताबुल फितने हदीस दी किताब बुखारी शरीफ है ना मेरे प्यारे महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने आलीशान जीशान मेरे नबी दी हदीस मुबारक है ना इनू
بیان کرنے والے راوی امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینو بیان کرنے والے اے دے راوی نے نا اللہ دے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة قیامت نہیں آئے گی یعنی اودوں تک نہیں آئے گی حتی ایتھوں تک دو مسلمانہ دیاں وڈیاں جماعتاں قتال کرنگیاں انہاں دے درمیان وڈی جنگ ہووے گی حالانکہ دوواں جماعتاں دا دعویٰ اکو ہی ہوئے گا اللہ دے نبی دا فرمان ہے اللہ اکبر اے کیڑی جنگ ہے حضرت امیر معاویہ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے درمیان اینا خارجیاں نے اینا باغیاں نے اینا ناسبیاں نے اینا رافضیاں نے او جڑیاں جنگاں نو بھڑکایا جنو صفین تے جمل آکھیا جاندہ اینا اے او جنگ دا تذکرہ ہو رہا اللہ دے نبی نے فرمایا اے بھی نشانی پوری ہو چکی ہے نا اے دے تو بعد اللہ دے نبی سے فرما رہے حضور فرمان دینے نا فرمایا 30 دے قریب دجال آنگے جھوٹے نبی آنگے نا جنہ دا دعویٰ ہر کسے دا دعویٰ ہوئے گا کہ وہ اللہ دا رسول ہے لیکن میرے صحابہ اللہ نبی یا بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے نا کیونکہ اللہ نے منو ختم نبوت دا وارث بنا چھڑیا تاج دار ختم نبوت میں آ ختم نبوت دا تاج میرے سر تے سجایا گیا ہے اللہ اکبر اللہ کوئی یعنی تی دے قریب دجال آنگے نا میرے نبی نے نہ جھوٹیاں نو دجال آکھے آئے مرزا لعین قادیانی غلام احمد تیو دی پوری ذریت دجال تے دجال دی ذریت اللہ اگے چلدا جادرا اگے سندا جادرا اللہ دے نبی نے نالی فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا صرف نام دا علم رہ جائے گا یعنی علم تے ہوئے گا لوگوں دے تے عمل نہیں کرنگے علم بڑا ہوئے گا واعظ و نصیحت بڑے سننگے درس قرآن سننگے خطبات تے جماعت المبارکہ سننگے نا بڑیاں بڑیاں محفلات تے بڑے لیکچرز تے دروس اٹینڈ کرنگے لیکن عمل نہیں کرنگے نالی اللہ دے نبی نے فرمایا زلزلے بڑے زلزلے زیادہ ہونگے نا اے بھی قیامت دیاں نشانیاں چو نشانی ہیں نالی اللہ دے نبی نے فرمایا وقت متقارب ہو جائے گا متقارب تو کی برا دینا یعنی لوگاں دے اندر بگاڑ جلدی پھیلنے لگے گا یعنی بگاڑ جلدی پھیل جائے گا نہیں بات سمجھ سکیا یعنی جس بگاڑ یعنی خرابی جلدی پھیل جائے گی جیڑی خرابی نو پھیلن واسطے ایک سال لگدا سی او ایک مہینے دے اندر پھیلن لگ گئی جنو ایک مہینہ لگدا سی او چند دنہ دے اندر پھیلن لگ گئی جیڑی چند دنہ دے اندر پھیل دی سی او چند گھڑیاں دے اندر پھیل رہی ہے میڈیا دی ترقی تسی بیک رہے ہو بگاڑ جلدی نال پھیلے گا متقارب اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ محدثین نے ادھے تم اراد بگاڑ تے لڑائی یہ خرص کیتا ہے نا اللہ خلاقے سندہ جادرہ قیامت دیاں نشانیاں چھوٹیاں نشانیاں جنہ وچوں کچھ دا ظہور ہو چکیا کچھ دا ظہور ہون والا گنا میں پہلے حدیث مبارکہ بیان کیتی اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں تے قیامت نال نال بھیجے گئے ہیں اللہ نے سانو نال نالی یعنی جو میں آیا قیامت بھی سمجھو نالی آگئی ہے قدوں آ جائے گی پتہ کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اے دے تو بعد اب یہ چل جرا سندہ چلا جا کہ دوسرا مفہوم اے نا کہ وقت بھی برکت ختم ہو جائے گی اسی چھوٹے چھوٹے ہوندے حفظ کر دے یا سکول پڑھ دے ہفتہ ہی نہ آندہ نکے نکے ہفتہ ہی نہ آندہ ہفتہ ہی اڈا لمحہ ہو جاندہ سوچ دے یار آگئے مدرسے آگئے ہونا خبریں قدوں جو میرا آتا ہے گی خبریں قدوں کا ارجامہ گے اڈا لمحہ ہفتہ ہو جاندہ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹਟਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੁਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਜੁਮਾ ਪੜਾਇਆ ਉੱਧਰੋਂ ਜੁਮਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਖਲੋਤਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟਾ, ਯਾਨੀ ਵਕਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਤਲੇ ਆਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਆਦਮ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੁਰਅਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ 52 ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਇਸ ਵਕਤ ਕਯਾਦਤ ਫਰਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੀਆਂ ਬਹਿਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 30,000 ਦੀ 30,000 30,000 ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਾ ਰਿੰਗੇ। ਫੌਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨੇ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਸਫਾਰਤਖਾਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਏਡੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਲਾ ਲਾ ਲਾ, ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਖੂਨ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬੇ ਮਾਲ ਮੁਸਤਹਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਬਾ, ਲੋਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖੇਗਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਅਲਾਮਾਤ ਸੁਗਰਾ ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਲਾ ਅੱਲਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੂਰਜ ਮਗਰਬ ਬੰਨੋ ਤੁਲੂ ਹੋ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਮਗਰਬ ਬੰਨੋ ਤੁਲੂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਆਖਣਗੇ ਆਮੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨ ਲੈ ਆਇਆ, ਸੂਰਾ ਇਨਾਮ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਕਰ ਸੋਹਣਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਵਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਰਾ ਇਨਾਮ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਯਨਫਉ ਨਫਸਨ ਈਮਾਨੁਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੌਬਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਸ ਵਕਤ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੌਬਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾਦਰਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਕਿਆਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਮਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਆਮਤ ਆਏਗੀ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਊਂਟਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਨਿਕਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੌਜ਼ ਕੂਆਂ ਪਲਸਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੂਏ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕੇਗਾ। ਮਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ, ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਛਿੰਦਾ ਲਾੜਕਾ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਬੱਚਾ ਝਾੜੀਏ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਬਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਂ ਮਾਰਾ ਬੁਕਲ ਟੁਰ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਮਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੁਕਮਾ ਉਠਾਏਗਾ, ਬੁਰਕੀ ਲੁਕਮਾ ਉਠਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾ 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 ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਫਰਮਾਏ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਆ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਦੋ ਅਗਲੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ
मैं अपनी बात को खत्म कर देवा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे साहबा रब्बानी उलमा नू मौत आ जाएगी, जेडे अल्लाह वाले उलमा ने ना लोग जाहिलों नू अपना पेशवा बना लेंगे ना। अल्लाह बल्कि अल्लाहु अकबर कबीरा हजरत अमर बिन आस ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया बेशक अल्लाह तुहानू इलम अता करने तो बाद एकदम यकदम तुहाडे तो इलम वापस नहीं लेगा, बल्कि हौली हौली करके उलमा नू उन्हां दे इलम समेत अल्लाह अपने पास बुलाना शुरू कर लेगा। हौली हौली उलमाए रब्बानी उठा ले जाणगे, ये भी अल्लाह के नबी का फरमान है ना। इहदे तो बाद लोग जाहिलों नू अपना रहबर ते रहनुमा पेशवा बना लेंगे, ये अपनी जहालत दे मुताबिक फतवे देवणगे, खुद भी गुमराह होणगे, लोगों नू भी गुमराह करनगे। अल्लाह 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 लेदे तो बाद अल्लाह दे नबी ने फरमाया अल्लाहु अकबर बदकारी आम हो जाएगी, शराब नोशी आम हो जाएगी। हजरत अनस रज़ी अल्लाहु ताला अपने तलामीज़ां नू अपने शागिर्दां नू बयान करदे आ होया कहंदे ने मैं तुहानू एक ऐसी हदीस सुणाना जिहड़ी मेरे बाद कोई होर नहीं सुनाएगा। हजरत अनस आखिरी सहाबा विचों हज्जाज बिन यूसुफ दा जमाना पाया। हजरत अनस रज़ी अल्लाहु ताला ने हजरत अनस फरमांदे ने ना कहंदे ने वो जिहड़ी हदीस मैं सुनान लगे आ मेरे तो बाद कोई होर नहीं सुनाएगा। फरमांदे ने कि मैं अल्लाह दे रसूल कोलो खुद सुनिया है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया बेशक कयामत दीआं निशानियां विचों चंद ये भी निशानियां ने ना, इलम कम होएगा, जहालत आम होएगी, जना आम होएगा, शराब आम होएगी ना, खुले आम होएगी। जना शराब आम नहीं बल्कि खुले आम होएगी। LGBT की है लेसबियन गेज का जोड़ा ग्रुप है, वह मर्द मर्द तो औरत तो लेसबियन गेज का ग्रुप है। LGBT कोई इस तरह का है चल रहा बाहर के मुल्क च, इंडिया च, हिंदुस्तान अंदर कानून पास हो गए हैं। तो मेरे तेरे मुल्क अंदर 8 मार्च में हर वारी काम पैंता, हर वारी लोग जनाब लैके कस्बे आते हैं, वो बिल्कुल वो लोग निकलते हैं सारे एजेंडा लैके निकलते हैं। तू थोड़ा जहा अखा खोल के रख, थोड़ा जहा सर्च कर। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह, खुले आम, सारा कुछ खुले आम होएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया हजरत अनस बयान करने ना फरमाया कि औरतां ज़्यादा हो जाएगियाँ और मर्द कम हो जाएंगे ना, हत्ता के एक ये भी बुखारी अंदर रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया 50 औरतों की कफालत कल्ला बंदा करेगा, कयामत दियाँ निशानियाँ विचों ये भी एक निशानी है औरतों का आम हो जाना। हजरत अबू मूसा शरीफ बुखारी और मुस्लिम अंदर बयान है ना फरमाया जरूर भी जरूर एक ऐसा वक्त आएगा जदों एक बंदा सोने का सदका लै करके निकलेगा, घूमेगा, कोई इन्हों कबूल नहीं करेगा, औरतों की कसरत होएगी मर्दों की किल्लत की वजह करके, 40 औरतें एक मर्द की पनाह लैन वास्ते उसके पिछे जाएंगियां। कुर्बे कयामत जंगा के करीब मर्द खत्म हो जाएंगे। اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات